सो डियर व्यूअर्स, अभी हमारा दूसरा इंटरव्यू है जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है, वो है हम मिस्टर हबीब बलोच से, जो कि बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के। तो इससे हम आज कुछ क्वेश्चंस कंडक्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इनोवेशन इन लर्निंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू डियर हबीब? आई एम फाइन मिस्टर सनाउल्ला, और बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने हमें चांस दिया बोलने का, लव यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लर्निंग में आप क्लास में बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं या क्लास से आउट हॉस्टल में बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप स्टडी करें, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, दोस्तों में साथ बैठकर अगर क्लास में दोस्त हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कहता हूँ कि हॉस्टल पे बैठ के इज द बेस्ट वे। यू मीन कि यू प्रीफर हॉस्टल रेदर देन क्लासरूम? यस। एक बहुत ही उम्दा पॉइंट है इनोवेशन इन लर्निंग के लिए, हबीब भाई जो प्रीफर कर रहे हैं वो क्लासरूम से बेटर प्रीफर कर रहे हैं हॉस्टल में बैठकर पढ़ने को। हैव यू गॉट इट योर स्टूडेंट्स? अच्छा, उसके बाद YouTube का आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है YouTube पर, डिफरेंट लेक्चरर्स हैं मेडिकल के रिगार्डिंग, डॉक्टर हादी हो गए पाकिस्तान से, डॉक्टर नजीब हो गए, जैसे उनके फार्माकोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। तो क्या आप YouTube से पढ़ना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और काफ़ी अच्छे लेक्चरर जो हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, जैसा कि आपके लेक्चर हैं मिस्टर सनावला के नाम से, मैं उनको बहुत बहुत पसंद करता हूँ, काफ़ी हमारी हेल्प होती है उनसे। थैंक यू वेरी मच। यू मीन कि यू प्रीफर YouTube फॉर स्टडी? यस। अच्छा हबीब भाई, आप मुझे ये बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो आजकल एजुकेशन के एजुकेशनल पर्पस के हवाले से बनाए गए हैं, उनमें डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जो हैं वो एड हैं, उनके यहाँ मटेरियल आता है एग्जाम्स के रिलेटेड, तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप प्रीफर करते हैं बेटर स्टडी के लिए? जी बिल्कुल, आजकल देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया का दौर है ना, वो ज़्यादा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप हमारे सीनियर हैं जैसा कि व्यूअर्स जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप हमारे सीनियर हैं, आपका एक ग्रुप है और दूसरे ग्रुप हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मटेरियल आता है उनसे, काफ़ी चीज़ें जो हैं हम कैच करते हैं। इट मीन्स कि यू प्रीफेयर स्टडी ऑन व्हाट्सएप? यस। Dear viewers, Mr. Habib likes to study from YouTube platform. He also likes to study from WhatsApp groups and also like to study rather than PowerPoint to what's on whiteboard. Have you got your respected students? अच्छा हबीब भाई, ये थे हमारे कुछ questions regarding innovation in learning. आप innovation in learning में अपनी suggestion या अपना राय देना पसंद करेंगी? अच्छा, आप ये बताएं कि जिस तरह आपने एक बहुत उम्दा पॉइंट बताया कि भाई क्लासरूम से हॉस्टल में बैठकर पढ़ना पसंद करें, इसी तरह का कोई आपके जहन में कोई ख्याल या कोई पॉइंट हो कि भाई अगर ये चीज़ हम कर रहे हैं इसके अलावा हम इस चीज़ की तरफ आएं, इस चीज़ को प्रीफेयर करें, इस चीज़ के ऊपर स्टडी करें या ऐसा स्टडी करें तो हमें जो है वो अच्छा होगा हमारे लिए? जी बिल्कुल, मैं सजेस्ट करूंगा कि देखें कि आप क्लासरूम में हैं तो 60-70 बच्चे आपके क्लास में बैठे होते हैं, तो एक स्लाइड चलती जा रही होती, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं हमारे ये जिनको मतलब इंग्लिश मतलब सुनने में या दुश्वारी होती है, तो हॉस्टल में जो सेल्फ स्टडी है वो मस्ट है, क्योंकि अगर आपके साथ रूममेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होशियार भी होते हैं, कम भी होते हैं, अगर आप उनको मतलब सिखा सकते हैं या उनसे कुछ सीख सकते हैं तो ये बेस्ट वे है। सो डियर व्यूअर्स, मिस्टर हबीब इज गोइंग टू प्रीफेयर सेल्फ स्टडी, इज इट? सो हबीब कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी जो है, सजेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो सेल्फ स्टडी की तरफ अपना ध्यान ज्यादा दें, सेल्फ स्टडी में आपको बेटर स्टडी मिलेगी। थैंक यू डियर व्यूअर्स।